हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवलदे भारती, वेजिटेबल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का आज ये लेक्चर 12 है। लेक्चर 11 में हम लोगों ने कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल क्रॉप का जनरल इंट्रोडक्शन देखा था कि कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स होती हैं, इनके अंतर्गत कौन कौन सी वेजिटेबल्स आती हैं और इनको अलग अलग पर्पज़ से हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि इनके जनरल बॉटेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कुकुरबिटेशियस की, जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स एक्सप्रेशंस और सेक्स प्रॉब्लम्स इन कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल और उसका कंट्रोल। आज के इस लेक्चर में हम लोग पहली कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल क्रॉप की कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी को डिटेल में डिस्कस करेंगे और वो क्रॉप है कुकुम्बर। खीरे के कल्टीवेशन को देखेंगे कि किस तरह से कुकुम्बर का या खीरे का कल्टीवेशन जो है साइंटिफिकली जो है वो कैसे किया जाता है। तो चलिए पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, या फिर पहले इसको देख लेते हैं बॉटेनिकल नेम कुकुम्बर का। कुकुम्बर को बॉटेनिकली कहते हैं कुकुमिस सेटाइवस। फैमिली इसकी कुकुरबिटेसी ही है। क्रोमोजोम नंबर 14 है। ओरिजिन है इसका इंडिया। अब इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो ये एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही कॉमन समर वेजिटेबल क्रॉप है। जितनी भी कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल हैं वो सभी वार्म सीजन की हैं, यानी समर सीजन की हैं। उसी तरह कुकुम्बर भी एक समर वेजिटेबल क्रॉप है। इसका प्लांट जो होता है, जैसा कि हम लोगों ने एक जनरल बॉटेनिकल फीचर में देखा कि कुकुरबिटेशियस फैमिली के जो प्लांट होते हैं वीक स्टेम के होते हैं, इनको जो है सपोर्ट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, है ना, या फिर ये पैरेलल टू दी ग्राउंड सरफेस ग्रो करते हैं। तो कुकुम्बर भी बिल्कुल वैसा ही है, ये ग्राउंड में पैरेलल जो है क्रीप करता है, रेंगता है, इसलिए क्रीपर भी है। और अगर सपोर्ट देकर के इसको वर्टिकल ग्रो कराया जाए तो ये एक तरह का क्लाइंबर भी है, जैसे कि ग्रीन हाउस में। तो जो कुकुम्बर का प्लांट है ये एक क्रीपर भी है और क्लाइंबिंग और ट्रेलिंग हैबिट का भी है। उसके बाद नेक्स्ट है जो इसका फ्रूट होता है, टेंडर फ्रूट है, जो उसको कच्चा खाया जाता है। कुकुम्बर जो है एज अ सैलड के तौर पे इसको खाई जाता है, ये कुक करके नहीं खाया जाता। लेकिन हाँ, कुछ टाइप के कुकुम्बर ऐसे भी हैं जिनको आफ्टर कुकिंग खाया जाता है, उसको हम आगे देखेंगे। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करने में, जॉन्डिस और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम को रिड्यूस करने में। अगर न्यूट्रिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कुकुम्बर का 100 ग्राम अगर कुकुम्बर को देखा जाए तो उसमें 96 ग्राम मॉइस्चर ही होता है, यानी 96% तो उसमें मॉइस्चर ही होता है। 0.4 ग्राम प्रोटीन होती है, 0.3 ग्राम मिनरल में भी सबसे ज़्यादा कैल्शियम, फॉस्फोरस और आयरन होता है। 0.4 ग्राम फाइबर होता है, 5.7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स और 0.04 मिलीग्राम राइबोफ्लेविन, 0.4 मिलीग्राम नियासिन और 4 मिलीग्राम विटामिन सी। तो इतने तरह से ये न्यूट्रिएंट से रिच है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें होता है वाटर। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो कुकुम्बर है या फिर जितनी भी कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल है, इनमें मॉइस्चर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ये हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं। तो जब गर्मियों में इन वेजिटेबल्स का हम जब इनका सेवन करते हैं तो हमें जो है समर जो में जो हीट स्ट्रोक है उससे ये वेजिटेबल्स बचा दी हैं। कुकुम्बर भी उनमें से एक है। अब बेसिकली 3 टाइप्स के कुकुम्बर होते हैं। आप लोगों ने जनरली एक ही टाइप का देखा होगा मार्केट में जो आता है कुकुम्बर, जिसको सैलड के पर्पस पे हम लोग खाते हैं, उसे बोलते हैं टेबल या स्लाइसिंग टाइप कुकुम्बर, है ना। ये लार्ज साइज का होता है, इसका छिलका बहुत पतला होता है, स्किन इसकी बहुत पतली होती है, इस पर सफ़ेद सफ़ेद से उभार होते हैं। इस इमेज पर मत जाइएगा, ये इमेज नहीं है, जो नॉर्मल बाजार में जो खीरा आता है मैं उसकी बात कर रही हूँ, कि वाइट कलर की स्पाइंस मतलब उभरे उभरे टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो जब मैच्योर होता है तो स्लाइटली येलो कलर में या क्रीम कलर में वो टर्न हो जाता है, ग्रीन से स्लाइटली येलो या ग्रीन कलर में टर्न होता है। दूसरे टाइप का कुकुम्बर है पिकलिंग या प्रोसेसिंग टाइप। इसमें जो है ये स्मॉलर साइज़ के होते हैं, जैसा कि इमेज में दिया हुआ है। देखिए कितने छोटे स्मॉल साइज़ के कुकुम्बर होते हैं। इनकी स्किन बहुत ही मोटी होती है और वार्टी होती है। वार्टी मतलब कि बहुत ही कोर्स रफ होती है। रफ इसलिए होती है क्योंकि इनके ऊपर इस तरह से उभरे हुए स्पाइनेशियस स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, इनको भी स्पाइंस बोलते हैं, ब्लैक कलर की स्पाइंस होती हैं। इस वजह से इनका जो छिलका होता है बहुत मोटा और थोड़ा देखने में बहुत ही भद्दा भी लगता है। और ये जब मैच्योर हो जाते हैं
तो ये जो है ऑरेंज कलर में बदलते हैं, ना कि येलो में। तो इस टाइप के कुकुम्बर को बोलते हैं पिकलिंग या प्रोसेसिंग टाइप, मतलब इसको कुकिंग के पर्पज़ से या एज अ पिकल बना करके यूज़ करके ही हम इसे खा सकते हैं। तीसरी कैटेगरी होती है ग्रीन हाउस कुकुम्बर। ग्रीन हाउस कुकुम्बर कुछ भी नहीं है, ये जो टेबल या स्लाइसिंग टाइप कुकुम्बर है जिसको कि ओपन फील्ड कंडीशन में भी ग्रो करते हैं, अगर हम उसे ग्रीन हाउस में ग्रो कर रहे हैं तो वह तब ग्रीन हाउस कुकुम्बर कहलाता है। लेकिन ग्रीन हाउस में हम हर वेराइटी को ग्रो नहीं करते, सिर्फ उसी वेराइटी को ग्रीन हाउस में ग्रो करेंगे जो जो कि गाइनोशियस टाइप की है, मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर आते हों और उनको पॉलिनेटर की भी ज़रूरत ना हो, क्योंकि उनको जो है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट डेवलप करने के लिए हम स्टिमुलेट करते हैं। क्योंकि कुकुम्बर की बहुत सारी ऐसी भी गाइनोशियस लाइन है जिनमें विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट डेवलपमेंट हो जाता है, यानी फ्रूट का डेवलपमेंट पार्थिनोकार्पिक तरीके से होता है। पार्थिनोकार्पी क्या होती है आपको पता है? डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थिनोकार्पी। तो ग्रीन हाउस कुकुम्बर में हम पार्थिनोकार्पी से जो है कुकुम्बर ग्रो करते हैं। इसकी पहचान ये होती है ग्रीन हाउस कुकुम्बर की, आपने ध्यान दिया होगा, तो कुकुम्बर के एक साइड पर अगर आप देखेंगे जो है जो थोड़ा सा पतला होता है कुकुम्बर, और दूसरे साइड पर थोड़ा सा मोटा होता है, यानी जिस जगह कुकुम्बर डंठल से अटैच रहता है वहाँ पर थोड़ा मुड़ा हुआ होता है, नेक ट्विस्ट मतलब हुक लाइक स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मुड़ जाता है, तो वो पहचान होती है ग्रीन हाउस कुकुम्बर की। उसे बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड नेक, नेक के पास थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर जाता है, मतलब थोड़ा सा जो है पतला हो जाता है, तो वो ग्रीन हाउस कुकुम्बर है। कल्टीवर्स की अगर बात की जाए तो जो पॉपुलर कल्टीवर्स हैं कुकुम्बर के वो हैं पॉइनसेट। पॉइनसेट ये एक फॉरेन वैरायटी है, यूएसए की है, जो हमारे यहाँ इंट्रोडक्शन से आई है। दूसरी है जैपनीज लॉन्ग ग्रीन, ये जापान की वैरायटी है, हमारे यहाँ ये भी इंट्रोड्यूस कराई गई है। तीसरी है स्ट्रेट एट, ये भी फॉरेन की वैरायटी है, यूएसए की है, हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस कराई गई है। देखिए जब हम किसी फॉरेन वैरायटी को अपने यहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जब किसी फॉरेन वैरायटी को अपने यहाँ इंट्रोड्यूस कराते हैं कि हमारे यहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो ग्रो करें और अडेप्ट कर ले, तो वो भी एक तरह का ब्रीडिंग मेथड है जो कहलाता है इंट्रोडक्शन। आप लोग ब्रीडिंग में पढ़ रहे होंगे इंट्रोडक्शन मेथड ऑफ ब्रीडिंग। तो इंट्रोडक्शन मेथड ऑफ ब्रीडिंग कुछ नहीं है, इंट्रोडक्शन मेथड ऑफ ब्रीडिंग बस वही है कि जब आप किसी ऐसी वैरायटी को जो कि पहले किसी और मतलब किसी दूसरे क्लाइमेट में इन्वायरमेंट में ग्रो हो रही थी और आप उसे अचानक से नए क्लाइमेट में जब लाते हैं, नए इन्वायरमेंट में लाते हैं या नए रीजन में ज्योग्राफिक एरिया में लाते हैं जहाँ वो पहले कभी नहीं थी, और वहाँ पर जब वो धीरे धीरे करके अपने आप को अडेप्ट कर लेती है, अपने में इम्प्रूवमेंट कर लेती है, तो ऐसी वैरायटी जब डेवलप हो जाती है तो हम उसे कहते हैं इंट्रोडक्शन मेथड ऑफ ब्रीडिंग। तो ये जो वैरायटी है पॉइनसेट, जापानीज लॉन्ग ग्रीन, स्ट्रेट एट, ये सब एक्जोटिक वैरायटी है, फॉरेन की वैरायटी है, ये हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस कराई गई हैं और इन वैरायटीज़ ने हमारे यहाँ के क्लाइमेट को अडेप्ट कर लिया है। तो ये हुआ कि इंट्रोडक्शन मेथड ऑफ ब्रीडिंग ऑफ दीज वैरायटी, ठीक है। उसके बाद कुछ वैरायटीज़ हैं जो हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट से जो डिफरेंट एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से रिलीज़ की गई हैं, फॉर एग्जांपल पूसा उदय आईआरआई से, पूसा बरखा ये भी आईआरआई से, पूसा बरखा अर्ली वैरायटी है, हिमांगी ये एक हाइब्रिड वैरायटी है, पॉइंटसेट और कल्याणपुर अगेती, मतलब एक एग्जोटिक वैरायटी और एक लोकल वैरायटी को क्रॉस कराया गया। नेक्स्ट है फूले सुभांगी, फिर नेक्स्ट है पूसा संयोग। देखिए पूसा संयोग जो ये वैरायटी है इसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है खीरे की। इसके बारे में ये एक्चुअली ये है कि ये जो वैरायटी है ये पहली हाइब्रिड वैरायटी है कुकुम्बर की। जब से कुकुम्बर पे अपने इंडिया में रिसर्च हुई है तो सबसे पहली वैरायटी जो पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा जो पहली हाइब्रिड वैरायटी रिलीज़ की गई थी आईआरआई की कुकुम्बर की, वो वैरायटी थी पूसा संयोग, और किसके क्रॉस से हुई थी? जापानीज गाइनोशियस लाइन और ग्रीन लॉन्ग नेपल्स। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि जापानीज गाइनोश या पूसा संयोग जो है कैसी किस पूसा संयोग किस पेरेंट का क्रॉस है, ऐसा भी पूछा गया, और ये भी पूछा जाता है कि विच वन इज़ दी फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ कुकुम्बर रिलीज्ड बाय दी पब्लिक सेक्टर कंपनी, मतलब किसी पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट द्वारा। प्राइवेट से तो बहुत सारी रिलीज हुई थी लेकिन ये पहली जो है सरकारी संस्थान द्वारा रिलीज हुई पहली वैरायटी थी। तो ये पूछते हैं
उसके बाद नेक्स्ट है पंत शंकर खीरा एक, यानी पंत हाइब्रिड खीरा एक, ये पंतनगर GBPOT से रिलीज्ड है। फिर नेक्स्ट है पंत खीरा एक, फिर दूसरा है पंत पार्थिनोकार्पिक खीरा दो, ये वैरायटी ग्रीन हाउस के लिए सूटेबल है, जो पार्थिनोकार्पिक वैरायटी ग्रीन हाउस के लिए अच्छी मानी जाती हैं। फिर है पार्थिनोकार्पिक खीरा थ्री, ये भी ग्रीन हाउस के लिए है। फिर नेक्स्ट वेराइटीज़ है शीतल, स्वर्ण अगेती, स्वर्ण पूर्णा, स्वर्ण शीतल, और उसके बाद है मेघालय लोकल और कोयम्बटूर वन। तो ये सब जो है पॉपुलर जो है कुकुम्बर की जो वेराइटीज़ हैं, जो कि अभी पॉपुलरली पब्लिक सेक्टर द्वारा रिलीज़ की गई हैं, वो ये वेराइटीज़ हैं। अब चलिए कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी को समझने के लिए पहले देखते हैं कि कुकुम्बर को कैसा क्लाइमेट और सॉइल कंडीशन चाहिए। तो ये एक वार्म सीजन क्रॉप है ना, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल एरिया में ईजिली ग्रो हो जाता है, लेकिन टेम्परेट रीजन में हम इसे नहीं ग्रो करते, क्योंकि ओपन में नहीं ग्रो कर सकते टेम्परेट रीजन में, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो भी चला जाता है और पाला भी कभी कभी पड़ जाता है, जो कि इस फसल के लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन टेम्परेट रीजन में पॉली हाउस के अंदर इसका कल्टीवेशन आराम से किया जा सकता है। तो देखा जाए तो कुकुम्बर को ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया में ओपन कंडीशन में और टेम्परेट रीजन में पॉली हाउस या प्रोटेक्टेड कंडीशन में हम ग्रो करते हैं। और इसका जो टेम्परेचर रेंज इसके लिए सूटेबल मानी गई है वो 18 to 24 degrees centigrade टेम्परेचर रेंज होना चाहिए, है ना। हाई टेम्परेचर अबव 32 degrees centigrade और एंड लॉन्ग डेज, यानी हाई टेम्परेचर और लंबे दिन फेवर्स मेल फ्लावर। ये तो हम लोग जानते ही हैं कि मेल फ्लावर या सेक्स प्रॉब्लम जो कुकुरबिट्स में हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने देखा था कि हाई एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं वो मेल फ्लावर प्रोडक्शन को जो है बढ़ावा देते हैं। कौन से हैं वो? हाई टेम्परेचर और लॉन्ग डे, और अगर शॉर्ट डे और लो टेम्परेचर है तो फीमेल फ्लावर का प्रोडक्शन कुकुम्बर के प्लांट में होगा, वो भी उन वेराइटीज़ में जिसमें कुकुम्बर में मोनोशियस टाइप की वेराइटी है या वो एंड्रोमोनोशियस टाइप की जो कुकुम्बर की वेराइटी है उनमें गाइनोशियस की या जो गाइनोशियस वेराइटी है या गाइनोमोनोशियस है उनमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर है लो नाइट टेम्परेचर एंड शॉर्ट डे ऑल्सो स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ये कह रहा है कि लो टेम्परेचर और शॉर्ट डे सिर्फ फीमेल फ्लावर को ही नहीं प्रमोट करता है, बल्कि विदाउट फर्टिलाइजेशन भी फ्रूट डेवलपमेंट करने को फैसिलिटेट करता है, यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन के भी फ्रूट डेवलप हो सकता है। तो ये तो इस चीज़ को ध्यान में रख कर देखा जाए तो लो टेम्परेचर, लो नाइट टेम्परेचर, दिन का नहीं नाइट का लो टेम्परेचर और शॉर्ट डे जो है फीमेल फ्लावर प्रोडक्शन के लिए और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट डेवलपमेंट के लिए फेवरेबल है। सॉइल कुकुम्बर को वैसे तो हर टाइप की सॉइल में ग्रो हो जाता है, लेकिन जितनी भी कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल हैं इन सभी में आप क्लाइमेट और सॉइल कंडीशन सेम ही देखेंगे, जितनी भी अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे सब में सेम ही रहेगी। इनको सैंडी लोम सॉइल ज़्यादा बेहतर सूटेबल होती है, हेवी सॉइल में भी ग्रो हो जाते हैं, लेकिन सैंडी लोम सॉइल में इनकी जड़ें आसानी से बहुत गहराई तक जाती हैं और पौधा बहुत विग्रस होता है और ईल्ड भी अर्ली ईल्ड होती है और ज़्यादा ईल्ड होती है ना। तो सॉइल का पीएच जो होना चाहिए वो 6 to 7 के बीच में होना चाहिए, और टेक्सचर सॉइल का लोम, सैंडी लोम, सिल्ट लोम और क्ले लोम जो है बेस्ट मानी गई है ज़्यादा उत्पादन के लिए। फील्ड प्रिपरेशन का तरीका वही है जैसे दूसरी वेजिटेबल्स के लिए करते हैं, सॉइल मिट्टी को अच्छी तरह से जो है उसको 3-4 बार उसकी जुताई कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद उसी समय उसमें FYM मिक्स कर देना चाहिए फील्ड प्रिपरेशन के दौरान ही, और हो सके तो फंजीसाइड वगैरह और इंसेक्टिसाइड भी फील्ड भी अप्लाई कर देना चाहिए, जैसे बेंजीन हेक्साक्लोराइड वगैरह, ताकि जो है किसी भी तरह का टर्माइट वगैरह की अगर प्रॉब्लम हो तो वो एलिमिनेट हो जाए, है ना। तो इस तरह से इसकी फील्ड प्रिपरेशन करते हैं। कुकुम्बर को देखिए दो जगह ग्रो, तीन जगह हम लोग तीन तरह से इसका कल्टीवेशन करते हैं। एक तो रिवर बेड कल्टीवेशन करते हैं। रिवर बेड कल्टीवेशन आपने देखा होगा जितनी कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल हैं, खीरा है और ककड़ी है, तरबूज, खरबूज, आपने ध्यान दिया होगा कि इनको जो है हमेशा नदी के किनारे जो नदी का जो बैंक, रिवर बैंक वाला जो हिस्सा है वहाँ पर इसका कल्टीवेशन करना ज़्यादा अच्छा देगा, वहाँ पे ईल्ड बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि उसके किनारे की जो सॉइल होती है वो सैंडी होती है
इरिगेशन आसानी से हो जाता है और बहुत सूटेबल सॉइल मानी गई है जो है कुकुरबिटेशियस क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए। तो ये जो इसे बोलते हैं रिवर बेड कल्टीवेशन, यानी नदी के किनारे के साइड में जो बेड है उस पर कल्टीवेशन क्यारियाँ बना करके किया जाए। तो हमारे यहाँ बहुत बड़े स्तर पर जो जितनी भी ये गंगा नदी है और गंगा की सहायक नदियाँ हैं, इनकी नदियों के किनारे जो बैंक हैं इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है रिवर बेड कल्टीवेशन कुकुरबिटेशियस क्रॉप का किया जाता है, जिसमें कद्दू अरे सॉरी जिसमें खीरा, ककड़ी और वाटरमिलन, मुस्क मिलन आता है। आप लोग जो लोग जिनके घर आसपास होंगे नदी के किनारे वो अच्छे से जानते होंगे। और चाहे तो इसका कल्टीवेशन आप खेतों में भी कर सकते हैं, मतलब मेन लैंड में भी, रिवर बेड कल्टीवेशन में तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ फील्ड में भी, मतलब मेन लैंड में भी कर सकते हैं, है ना। तो सॉइल लेकिन सैंडी लोम हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो फील्ड प्रिपरेशन है दोनों के लिए, रिवर बेड के लिए भी है और मेन लैंड के लिए भी है। रिवर बेड कल्टीवेशन जब हम करते हैं तो वीड वगैरह की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन हाँ FYM हम मिक्स करना पड़ता है। तो ये जो है जनरल जो है कल्टीवेशन प्रैक्टिस है, सॉरी फील्ड प्रिपरेशन प्रैक्टिस है। उसके बाद नेक्स्ट है सोइंग टाइम एंड सीड रेट, कब आप बुआई करते हैं। तो बुआई का टाइम भी अलग है। अगर हम जो है फील्ड में कल्टीवेशन कर रहे हैं, मतलब अपनी खेतों में अगर कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो हम दो क्रॉप लेंगे, मतलब उत्तर भारत की हम पहले बात करते हैं, नॉर्थ इंडिया की। तो वहाँ पे एक समर क्रॉप हम लेंगे गर्मियों में, तो हम गर्म समर क्रॉप लेने के लिए फेब्रुअरी मार्च में हम सोइंग करते हैं, और दूसरी क्रॉप हम रेनी सीजन में लेते हैं, तब हम जून जुलाई में प्लांट करते हैं, और फिर उधर सितंबर अक्टूबर नवंबर में जो खीरा आता है वो वैसे तो जून जुलाई में जब हम प्लांट करते हैं तो वो खीरा उतना क्वालिटी में अच्छा नहीं होता है, लेकिन जो है फेब्रुअरी मार्च में जो प्लांटेशन करते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, मतलब इस सीजन में जो खीरा आ रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। फिर है रिवर बेड कल्टीवेशन। अगर रिवर बेड में आप सोइंग करने जा रहे हैं तो रिवर बेड में आप नवंबर से जनवरी के बीच में ही बुआई कर सकते हैं, है ना। ठंडियों के टाइम पे ही आप बुआई कर सकते हैं रिवर बेड के पास, क्योंकि नदियों के किनारे जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं होता है ना। अर्ली क्रॉप आप वहाँ बो करके ले सकते हैं, लेकिन जब हम मेन लैंड में सोइंग करेंगे तो हम फेब्रुअरी मार्च के बाद ही करेंगे। साउथ है और सेंट्रल इंडिया में हम कब करेंगे, हम वहाँ साउथ इंडिया या सेंट्रल इंडिया ट्रॉपिकल है, वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ठंडी, तो हम वहाँ ईयर राउंड जो है कभी भी खीरे की बुआई कर सकते हैं। हिली रीजन में अगर कल्टीवेशन करना है, हिल मतलब पहाड़ों पे, इंडिया के जो पहाड़ हैं वहाँ पर, जैसे हिमाचल है, उत्तराखंड वगैरह, तो खीरा तो एक वार्म सीजन की क्रॉप है, तो हिल्स में हम इसका कल्टीवेशन अप्रैल मई, मतलब बुआई जो करेंगे वो अप्रैल मई में करेंगे, क्योंकि वहाँ पे फरवरी मार्च में टेम्परेचर बहुत लो रहता है, वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है, अप्रैल से बढ़ना शुरू होता है, तो अप्रैल मई में हम वहाँ पर सोइंग करते हैं। और सीड रेट जो इसके लिए सूटेबल है वो है 2.5 से 3 kg 1 हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर के लिए 2.5 से 3 kg बीज सफिशेंट है। मेथड ऑफ सोइंग एंड स्पेसिंग, किस तरह से हम सोइंग करेंगे स्पेसिंग, कहीं भी हो, चाहे रिवर बेड कल्टीवेशन हो चाहे फील्ड का कल्टीवेशन हो, कुकुम्बर को बीज द्वारा ही प्रोपोगेट किया जाता है और रेज्ड बेड में किया जाता है ना, क्योंकि वाटर अक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा ना होने पाए, तो रेज्ड बेड में हम करते हैं। जो टेबल टाइप का कम्बर है, जो खीरा नॉर्मल सैलड पर्पज से जिसको खाते हैं, उसमें रो टू रो डिस्टेंस जो बीज के बीच में होनी चाहिए वो 120 से 180 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 60 to 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद पिकलिंग टाइप जो कुकुम्बर है उसमें 90 सेंटीमीटर रो टू रो होनी चाहिए और 30 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट। पिकलिंग टाइप कुकुम्बर का जो पौधा है बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं करता है, इसीलिए 90 सेंटीमीटर रो टू रो डिस्टेंस सफिशियंट है और 30 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट। लेकिन टेबल टाइप का पौधा काफ़ी लार्ज होता है, तो 120 से 180 रो टू रो होनी चाहिए और 60 से 90 प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होनी चाहिए। इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस में मैन्योर फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन, तो जब फील्ड प्रिपरेशन हम कर रहे होते हैं उसी समय हमें FYM अप्लाई कर देना होता है, तो 10 से 15 टन या 20 से 25 टन, डिपेंड करता है कि आपकी सॉइल का टेक्सचर कैसा है। अगर सॉइल हैवी है, क्ले टाइप की है, तो आप 25 टन पर हेक्टेयर की दर से FYM डालेंगे, और अगर सैंडी है तो 10 से 15 टन पर हेक्टेयर FYM सफिशेंट है, और लैंड प्रिपरेशन के टाइम ही हम ये मिक्स कर देंगे। उसके बाद NPK इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर,
नाइट्रोजन 100 kg पर हेक्टेयर, 75 kg फॉस्फोरस पर हेक्टेयर और 50 kg पोटाश पर हेक्टेयर अप्लाई करना पड़ता है ना। बहुत ज़्यादा एक्सेस नाइट्रोजन नहीं होना चाहिए क्योंकि फीमेल फ्लावर का प्रोडक्शन सप्रेस कर जाएगा, मेल फ्लावर के प्रोडक्शन ज़्यादा होना होगा, तो बहुत ही रेगुलेटेड वे में हमें फर्टिलाइज़र अप्लाई करना है। इरिगेशन, कुकुम्बर ये वार्म सीजन क्रॉप है, हाई वाटर की इसकी जो है वो है रिक्वायरमेंट है, तो इसमें भी इसमें जो है जो इरिगेशन का जो टाइम होगा वो समर क्रॉप है उसमें जो है फ्रीक्वेंट इरिगेशन करना पड़ता है 4 से 5 दिन के इंटरवल पर। समर क्रॉप में 4 से 5 दिन के इंटरवल पे इरिगेशन करना होता है, और रेनी सीजन की अगर क्रॉप है तो उस समय हमें जो है इरिगेशन जो है रेगुलर नहीं करना पड़ता है क्योंकि ऑलरेडी सॉइल में मॉइस्चर, ओवर इरिगेशन जो है वो नहीं करना है। फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग जो है क्रिटिकल स्टेजेस मानी जाती है, मीन्स उस समय हर हाल में सिंचाई करनी ही करनी है ताकि फ्रूट डेवलपमेंट में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद नेक्स्ट है वीडिंग में अर्ली स्टेज में वीडिंग जरूर करनी क्योंकि पौधा छोटा रहता है तो स्पेस जो इंटर स्पीस ग्रो होने लगती है। मैनुअल वीडिंग ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन वीडिंग इस तरह से करें कि साथ साथ थोड़ी थोड़ी सी गुड़ाई भी हो जाए सॉइल की ताकि सॉइल में प्रॉपर एरेशन बना रहे। केमिकल वीडिंग कर ग्लाइफोसेट का एप्लीकेशन करके ग्लाइफोसेट है सोल्यूशन बना करके उसको स्प्रे कर सकते हैं। फील्ड में जब एक बार पौधे की वाइन पूरी तरह डेवलप हो जाती है यानी पौधा पूरी तरह स्प्रेड कर जाता है तो इनकी प्रॉब्लम नहीं रहती या नहीं होती है। स्टेकिंग की बात की जाए तो सिर्फ जो प्लांट है अगर ग्रीन हाउस में है तो उसको नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ओपन कंडीशन में भी है तो भी जो है वो जमीन के टच रहते रहते सड़ने लगते हैं मिट्टी से में, जब कभी कभी मिट्टी के टच में आने से बहुत ज़्यादा सड़ने लगते तो किसी सपोर्ट से टच से दूर हो जाते हैं तो फ्रूट की रॉटिंग नहीं होने पाती यानी फ्रूट सड़ने नहीं पाते। पैकिंग करना होता है, वो कैसे जज करेंगे तो कई तरीके हैं। फ्रूट सेट होने के एक हफ्ते बाद आप समझ लीजिए कि फ्रूट का जो साइज होता है वो हार्वेस्टिंग मतलब वो मार्केटेबल साइज का हो जाता है ना, क्योंकि कुकुम्बर को हम लोग जानते हैं कि हमारा जो खीरा है वो पतला और लंबा होना चाहिए। फ्रूट थिक होने से पहले ही हमें हार्वेस्ट कर लेना होता है क्योंकि कंज्यूमर को सीडलेस जो है खीरा पसंद है ना। तो फ्रूट सेट होने के एक हफ्ते बाद जो है आप हार्वेस्ट कर लीजिए, मतलब फ्रूट टेंडर हो और डार्क ग्रीन से लाइट ग्रीन में यानी ब्राइट ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो चुका हो, है ना। और अगर डेट वाइज सेट करना है तो बीज डालने के 45 से 70 दिन के बाद जो सेंटीमीटर लंबा हो जाए, और पिकलिंग टाइप कुकुम्बर है तो वो 30-35 दिन बुआई के एक रेडी हो जाता है हार्वेस्टिंग के लिए। तो फ्रूट का साइज जब 6 से 10 सेंटीमीटर लंबा हो तो हम उसे हार्वेस्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कुकुम्बर की जो यील्ड है वो 20 से 40 टन पर हेक्टेयर, पिकलिंग टाइप जो कुकुम्बर की यील्ड आती है लगभग वो 15 से 20 टन पर हेक्टेयर या कह सकते हैं 150 से 200 क्विंटल पर हेक्टेयर। टन और क्विंटल का कन्वर्जन याद रखिएगा हमेशा, है ना। तो जैसे ये 150 क्विंटल पर हेक्टेयर है तो इसको टन में बदलना है तो ये 15 टन पर हेक्टेयर कहलाएगा। तो ये इस तरह से इसकी यील्ड है। उसके बाद है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट।
हार्वेस्टिंग के बाद इसको हैंडलिंग कैसे करेंगे, तो इसकी ये जल्दी से डिग्रेड ना हो, मतलब फ्रेश बना रहे, पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ इसकी ज़्यादा रहे, मतलब लंबे समय तक हार्वेस्टिंग के बाद खीरा जो है हेल्दी और फ्रेश बना रहे, तो इसके लिए सबसे पहले हार्वेस्टिंग के बाद सबसे पहले हाइड्रो कूलिंग करते हैं, यानी पानी में डुबो देते हैं फ्रूट्स को, ताकि वॉट जितनी भी हीट है वो सब रिमूव हो जाए, क्योंकि हीट किसी भी फ्रूट में हीट जब जब अगर हीट एक्यूमुलेट रहती है तो रेस्पिरेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है, और रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा होता है तो इथाइलिन ज़्यादा निकलता है, और इथाइलिन ज़्यादा निकलता है तो फल जो है वो पकने लगता है, तो हीट का निकलना पहले ज़रूरी है। तो सबसे पहले फील्ड से जब हार्वेस्ट करके लाते हैं तो वाटर में डिप कर देते हैं ताकि कूलिंग हो जाए, उसके बाद उसको साइज़ के अकॉर्डिंग और शेप के अकॉर्डिंग या कलर के अकॉर्डिंग ग्रेड करते हैं ताकि मार्केट में अच्छा प्राइस मिल सके अलग अलग साइज़ के कुकुम्बर को। फिर उसके बाद जो है अगर ज़रूरत पड़ी पैकेजिंग से पहले ज़रूरत पड़ी तो थोड़ी देर के लिए शेड में रखते हैं, है ना, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे, पर इतनी भी देर शेड में नहीं रखना है कि बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाए। और अगर हम स्टोर, फिर उसके बाद हम लोग इसको फाइनली पैकेजिंग करके ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, लेकिन अगर स्टोर करना चाहते हैं तो 10 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड और 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी बनाए रखते हुए कोल्ड स्टोर में आप 2 हफ्ते तक इसको स्टोर कर सकते हैं। 10 डिग्री से नीचे टेम्परेचर पे स्टोर नहीं करना होता है, वरना कुकुम्बर को चिलिंग इंजरी हो जाती है। तो जो बेस्ट टेम्परेचर है इसके स्टोरेज का वो 10 to 13 है। ये पूछा जाता है कि कुकुम्बर को या जो भी दूसरी वेजिटेबल का स्टोरेज टेम्परेचर क्या है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये था ऑल अबाउट जो है कुकुम्बर का कल्टीवेशन खीरे का, और नेक्स्ट उसमें हम वीडियो में हम लोग जो है मस्क मिलन और खरबूजे की कल्टीवेशन को जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू।